सरोवर नगरी नैनीताल में कोरोना फैलने लगा है। 15 जुलाई को जिन चार लोगों की एंटीजन रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उनके संपर्क में आए करीब 120 लोगों की जांच की गई है, जिनमें फिर 6 लोगों की रैपिड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 4 लोग पुलिस लाइन के कर्मी हैं। वहीं एक बुजुर्ग महिला और एक युवती शेरवानी क्षेत्र के संक्रमित के संपर्क में आई थी, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव बताई जा रही है। बुजुर्ग महिला कुछ ही दिन पहले देहरादून से लौटी थी और युवती शेरवानी क्षेत्र में मिले संक्रमित युवक के पड़ोस में ही रहती है। वहीं बीडी पांडे पीएमएस केएस थामी ने बताया कि सभी 6 लोगों को बारापत्थर स्थित रियो ग्रैंड होटल में बने कोविड केयर सेंटर भेज दिया गया है और जिन 4 पुलिस लाइन वाले कर्मियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जो बार-बार थे पुलिस वाले, उन्हीं के कॉन्टैक्ट में आज पुलिस लाइन से करीब 79 लोगों के हमने सैंपल लिए, तो उसमें से 4 सैंपल पॉजिटिव आए। और जनरल पब्लिक से आज शेरवानी से एक लेडी और एक उसके पड़ोस में रहने वाली बच्ची, वो पॉजिटिव पाई गई। तो इन सभी को हम लोगों ने सीसी अपना रियो में क्वारंटीन कर दिया था और बाकी जो है करीब 70 सैंपल हमने आज, साथ ही 200 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 70 सेंट्रल नैनीताल जेल से लिए गए हैं। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप, गूगल प्ले पर उपलब्ध।